दोस्तों क्या आप भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन डाउनलोड कैसे करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहां से अगर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो दोस्तों जब भी आप उस एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें कस्टम थंबनेल बनाने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों वहां पर आपको बहुत सारी ऐड देखने को मिलेंगी। दोस्तों इतना ही नहीं, वहां पर जब आप उस पिक्सल लैब एप्लीकेशन में पीएलपी फाइल को ऐड करने जाएंगे, तो वहां पर जो आपकी पीएलपी फाइल होती है वो भी शो नहीं करती है। तो दोस्तों वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन यूज करते हैं, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पिक्सल लैब एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन के ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम, अगर दोस्तों आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है, तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आप प्ले स्टोर पर जब आएंगे तो यहां पर आपको लिखना है टेलीग्राम। जैसे दोस्तों आप टेलीग्राम लिख करके सर्च करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम का जो एप्लीकेशन होगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपको ऊपर साइड में सर्च बार का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपको सर्च करना नहीं आता है, तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके मेरे इस चैनल पर आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है आशीष यादव 2.0। अब दोस्तों जैसे आप इतना लिख करके सर्च करेंगे, तो ये जो हमारा चैनल है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चैनल है ये ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों जब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है पिक्सल लैब के 3 वर्जन को यहाँ पर अपलोड कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जिस भी वर्जन को डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर साइड में यहाँ पर ओल्ड वर्जन है, यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है ये लेटेस्ट वर्जन है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो ये पिक्सल लैब का ओल्ड वर्जन लिखा है, ये 2020 का है। अगर दोस्तों आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे जो है जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन का जो 2020 का ओल्ड वर्जन है, मुझे इसे डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा जो ये साइड में 3 डॉट दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है यहाँ पर सेव टू डाउनलोड का बटन आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे, तो ये जो पिक्सल लैब का एप्लीकेशन है ये आपके फाइल मैनेजर में आकर के डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है। जब दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है APK में। यहाँ पर दोस्तों जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन शो हो जाएगा। दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा है। अब दोस्तों जब यहाँ पर आप आ जाएं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जब आप पिक्सल लैब को इंस्टॉल कर लेंगे, तो यहाँ से आपको कर लेना है पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन। अब जब दोस्तों यहाँ से आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों इसको जो है आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।